भारतीय वैज्ञानिकों ने एक चिकित्सा अध्ययन में दावा किया है कि भारत में हर साल मानसून के बाद इन्फ्लुएंजा वायरस का प्रकोप फैलता है। 2006 से 2021 के बीच 15 साल में 284 बार H5N1 संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं, जो बीमार पक्षियों के संपर्क में आने से इंसानों तक पहुंचता है। शोधकर्ताओं ने 2016 से 2021 के बीच महज 5 साल में 57 बार H5N8 संक्रमण फैलने के सबूत एकत्रित किए हैं, जिसे बर्ड फ्लू कहा जाता है। देश के 24 राज्यों में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंजा के मामले सामने आए। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने कहा है कि देश के अधिकांश राज्यों में हर साल मानसून के बाद इन्फ्लुएंजा वायरस फैलने के सबूत मिले हैं, जो इस साल भी जोखिम रहने के संकेत दे रहे हैं। ICMR के पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी कि NIV के शोधकर्ताओं ने बताया कि इन्फ्लुएंजा के मामलों में 2021 में काफी वृद्धि हुई है। जिस साल कोरोना महामारी की दूसरी लहर का पूरे देश ने सामना किया, NIV के वरिष्ठ शोधकर्ता प्रोफेसर शैलेश पवार ने बताया कि इन्फ्लुएंजा के मामले मुख्यतः जंगली पक्षियों में देखे गए हैं। हर साल अक्टूबर से लेकर मार्च माह के बीच सबसे ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं। पोल्ट्री के अलावा उल्लू, मोर, कोआ और जंगली प्रवासी पक्षी जैसे डेमोइसेल क्रैन, उत्तरी पिंटेल और हंस में यह संक्रमण सबसे अधिक पाया गया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि मौसमी स्थिति के जरिए इन्फ्लुएंजा संक्रमण के प्रकोप की रोकथाम और नियंत्रण नीतियों पर काम करने में मदद मिल सकती है। हाल ही में सामने आए H5N1 और H9N2 जैसे वायरस जंगली प्रवासी पक्षियों के अलावा पोल्ट्री फार्म से इंसानों तक पहुंचे हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने के लिए सरकार को जल्द से जल्द नई नीतियों पर काम करना चाहिए। आंकड़े बताते हैं कि 2010 से पहले तक इन्फ्लुएंजा के मामले पूर्वोत्तर राज्यों में ही दर्ज किए जा रहे थे, लेकिन 2010 से 2021 के बीच देश के बाकी हिस्सों में भी लोग इस संक्रमण की चपेट में आने लगे हैं। स्थिति यह है कि हिमाचल प्रदेश से लेकर केरल और मिजोरम से लेकर गुजरात तक 24 से ज्यादा राज्य इन्फ्लुएंजा को लेकर गंभीर स्थिति में आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।